हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन स्प्रे। अगर आप अक्सर पार्लर जाके पेडीक्योर कराते हो और आपको नहीं पता कि पार्लर में पेडीक्योर कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखेंगे तो आप सीखेंगे कि पार्लर में पेडीक्योर कैसे किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में है बेल आइकन, इसे भी दबा दो। स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पेडीक्योर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन है कि अगर आपके पैरों में नेल पॉलिश लगी हुई है तो आप एसीटोन की हेल्प से सबसे नेल पॉलिश को अच्छे से रिमूव कर लें और इसके बाद पानी में अपने पैरों को अच्छे से डिप कर लें। पानी इतना भरा हो जिसमें आपके पैर अच्छे से डूब जाएं। अब इसके बाद मैंने लिया है अमोनिया, तो ये भी आप 2 टीस्पून आप इसको डाल दें। ये दोनों चीज़ें हमारे पैर के मैल को काटती हैं। अब इसके बाद मैंने एक चीज़ और ली है, वो है शैम्पू। आप शैम्पू कोई सा भी ले सकते हो, ये भी मैंने 2 ढक्कन लिया है। अब इसके बाद आप टाइम सेट कर लिया है, मैंने 45 मिनट का किया है, मशीन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको 45 मिनट में नहीं रखूँगी, मैं सिर्फ 15 मिनट ही पैरों को रखने वाली हूँ। आपको क्या करना है कि इसमें हल्के हल्के पानी गर्म होता जाएगा और आपको इसके बाद आपको अपने पैरों में ये लूफा है इसकी हेल्प से हल्के से आपको पैरों को रगड़ते रहना है। आप हल्के से पैरों को रगड़ेंगे, आपके डस्ट पॉल्यूशन जितना है वो सब निकल जाएगा। अब मैंने स्क्रबर की हेल्प से एड़ियां साफ की हैं, जिससे क्या होगा, आपके जो एड़ियां हैं जो फट जाती हैं या टैनिंग हो जाती है वो सारी साफ हो जाएगी। मैं ब्रश की हेल्प से ऊपर के टैनिंग भी निकाल रही हूँ, जिससे आपके पैर एकदम क्लीन हो जाएंगे, आपके डेड स्किन डेड सेल्स सारे रिमूव हो जाएंगे। अब मैं आपको देख रहे हो कि इस तरह से पैर कितने क्लीन दिखाई दे रहे हैं और ये पानी उतना गंदा नहीं है, इसलिए मैं इसमें वापस से डाल दूंगी। अब मैं और स्क्रबर की हेल्प से दूसरे पैर की एड़ियाँ भी साफ कर रही हूँ, आपको वीडियो में शॉर्ट में करके दिखा रहे हैं। अब ये है प्यूमिक स्टोन, आपके पास अगर स्क्रबर नहीं है तो आप प्यूमिक स्टोन की हेल्प से भी एड़ियों को साफ कर सकते हो। दोनों चीज़ें एक जैसी ही हैं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन आपको जो सुविधाजनक लगे। आपको बताऊं कि देखने में ये इतना स्ट्रांग लग रहा है लेकिन इससे पेन बिल्कुल नहीं होता है और आप देख रहे हो कि पैरों में कितना अच्छा क्लीन भी कर देता है ये पैरों को, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और आपको अपने पैरों को 10 से 15 मिनट डाल के रखना है। मैं इसमें पानी से बाल पैरों को धो ले रही हूँ और धोने के बाद आपको पैर दिख रहे हैं ये कितने क्लीन हो गए हैं, कितने साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इनको मैं एक टॉवल की हेल्प से, टॉवल हैंकी के हेल्प से इसको साफ कर लूँगी, पोंछ लूँगी। और आपको खुद ही दिखाई दे रहा है कि 10 मिनट डालने से पैर कितने क्लीन हुए। अब मैं इसमें ये पुशर की हेल्प से डेड स्किन को पुश करूंगी और सभी नेल्स में क्लीन कर दूंगी, ये आपकी डेड स्किन को निकाल दे। ये है क्यूटिकल कटर, जिसकी हेल्प से मैं जो डेड स्किन निकाली है उसकी सारी डेड स्किन निकाल देंगे, जिससे कि हमारी स्किन बहुत क्लीन हो जाती है, डेड स्किन सारी निकल जाती है। अब इन्होंने वैक्स नहीं करवाई थी इसलिए इनके पैरों में हो रही है ब्लीच। अब ब्लीच करने के बाद आप पैर देखेंगे कि इनके जो हल्के फुल्के रुएं होते हैं सभी की बॉडी में होते हैं वो अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। और ब्लीच को आप कोई सी भी ले सकते हो, इन्होंने ओलिविया की ब्लीच करवाई है और ओलिविया की ब्लीच 15 मिनट हम मिनिमम रखेंगे और उसके बाद क्लीन करके आपको दिखाते हैं कि इसका कितना अच्छा असर आता है। 15 मिनट हो गए हैं, अब आपको दिख रहा है पैर कितने क्लीन हो गए हैं, कितने साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये अगर आप महीने में एक बार करते रहते हो तो आपके पैर हमेशा साफ रहते हैं। इनके नेल बहुत छोटे हैं, मैं नेल कटर की जगह फाइलर का यूज करके इनके नेल को थोड़ा सेट कर दूंगी। अब इसके बाद नेल को एक एक को अच्छे से सेट करना है। आप ध्यान रखें कि कोने को ज़्यादा, जो कॉर्नर होते हैं नेल्स के, उसको ज़्यादा ना छेड़ें। मन हो आप अपने नेल्स को ओवल स्क्वायर शेप दे सकते हैं।
बाद आप अपनी पसंद का कोई सा भी नेल पॉलिश लगा सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ कि मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था। आप 2 मिनट किसी भी टाइप का मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मसाज ज़रूर दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भर भर के लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये प्रोसेस कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।